तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जितने भी लोग इंतज़ार करते रहते हैं ना नई नई वीडियो का, उनके लिए एक और धमाकेदार चीज़ आ गई भाई। इतनी शानदार चीज़ है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी आपको इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स थे हमारे वो कह रहे थे सर आप एक बार इस बोर्ड की जो है वो टेस्टिंग दिखाइए, तब जाकर हम इसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इसकी टेस्टिंग में ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो भाई जो सामने आपको सेटअप दिख रहा है, यहाँ पर जो है लगा हुआ है हमारा क्लास जी का 2200 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि बहुत शानदार है। इसमें सारे कनेक्शन, सारे सब कुछ, हर एक चीज़ मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ और इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जो कि दिखाऊंगा मैं आपको 4000 वाट लोड पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो जो लोड रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 2000 वाट का है, मतलब 1000 वाट 1000 वाट, ये 2000 वाट 4 ओम 2000 वाट 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम के दो हमारे जो है रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। देख रहे हैं आप ये जो इसके वायर आ रहे हैं, ये वायर इसमें जाकर इधर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हमने 2 ओम लोड पर कर दिया है। तो 2 ओम पर हम इसको टेस्ट कराएंगे आपको कि किस तरह से इसको फुल पावर पे चलाएंगे और बोर्ड पर नहीं पड़ता कोई भी असर। बहुत ही बढ़िया शानदार इतनी परफॉर्मेंस रहती है कि ना ही बोर्ड हीट होता है, ना ही बोर्ड ख़राब होता है, कोई भी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सारे कनेक्शंस बता देता हूँ इस बोर्ड में, फिर उसके बाद चलेंगे हम दूसरे में जिसमें हमने कनेक्शंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको पावर इनपुट देना होता है, मेन जो लाइन देनी होती है 60060 70070, जो भी आप डीसी में कन्वर्ट करके देना चाहते हैं वो देंगे आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीसीसी प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर वीसीसी प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी गलत प्रिंटिंग हो गई है। ये है वीसीसी माइनस, जिस साइड आपके वाइट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये वीसीसी माइनस है, मतलब यहाँ पर आपको माइनस देना है, यहाँ पर प्लस वोल्टेज देना है। और यहाँ पर आ जाएंगे अब हम, यहाँ पर इसकी स्पीकर जो प्रोटेक्शन सेक्शन है इसका, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पीकर आउट है और ग्राउंड है और एक और ग्राउंड है। तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस माइनस और यहाँ पर ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया आपका सप्लाई का। अब बात करेंगे स्पीकर कहाँ कनेक्ट करने हैं, तो स्पीकर एक स्पीकर आउट यहाँ पर है, ये पॉजिटिव स्पीकर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है इसी स्पीकर प्रोडक्शन को पावर देने के लिए 0 बार आपको देनी पड़ती है। और इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर इसमें ओवर करंट प्रोडक्शन है कि आपके स्पीकर को डैमेज करने से बचाती है, जो कि तो यहाँ पर जो OCP है उसमें आपको देना पड़ता है 12 वोल्ट DC। ठीक है, तो इसमें आपको ये 3 सप्लाई देनी पड़ेंगी, एक जो मेन सप्लाई होती है, एक यहाँ पर 12 वोल्ट DC देनी पड़ेगी और एक यहाँ पर 0 बार देनी पड़ेगी। तो जो 12 वोल्ट DC है वो OCP को ऑन करती है, जो कि इसकी ओवर करंट प्रोडक्शन कहते हैं जिसको। तो इस बोर्ड को आप रख देते हैं साइड, जिसमें हमने कनेक्शन सारे कर रखे हैं उस बोर्ड में हम एक बार आपको चला कर दिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 0 12 जो है बैटरी वो प्लस माइनस जो 12 है वो हमने बैटरी से दे रखी है 12 वोल्ट की। तो यहाँ पर OCP हमारी ऑन है, ये ग्रीन लाइट जल रही है, जब भी OCP कट मारेगी ये रेड लाइट जल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसकी सेंसिटिविटी कम करके, तो देखिए ये यहाँ पर रेड लाइट जल जाती है। अब यहाँ पर जैसे हमने सेंसिटिविटी कम कर दी, हम जैसे इसमें गाना हल्का सा भी प्ले करेंगे तो ये हमारा जो है प्रोटेक्ट मोड पर चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर रेड लाइट जल गई है, तो ये प्रोटेक्ट मोड पर चली गई है OCP को। तो ये हमारा प्रीसेट है, इसको आप ज़्यादा ना छेड़ें तो ज़्यादा बढ़िया है, तो हमने इसको एक नॉर्मल उस पर कर दिया है वैल्यू पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये OCP कट नहीं मारेगी, देख रहे हैं आप दोबारा से जो हमारी ग्रीन लाइट जल चुकी है। तो यहाँ पर इनपुट देने के लिए हमने यूज़ करा है मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ से हमने इनपुट दे दिया है ऑडियो इनपुट, प्लस माइनस एकदम सही से देना है आपको। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं हमें एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पर इसको मेन जो सप्लाई देने के लिए जो हम ट्रॉडल यूज़ कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पर कितना हैवी ट्रॉडल है। यह है 60060 30 एम्पीयर का ट्रॉडल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रॉडल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे जो हमारी सप्लाई में आ रहा है 6 कैपेसिटर सप्लाई में। और यहाँ से देखिए आप नीचे से आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी मोटी हमने तार लगाई हुई है, क्योंकि हम इस पर 4000 वाट लोड डालने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो ये वायर हैं ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, ये पिघलनी शुरू हो जाती है, ये इतनी मोटी वायर भी जो है पिघलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा करंट एकदम से ड्रॉ करता है ट्रेडल से सप्लाई से कि भाई वायर्स भी गर्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको मैंने समझा दिया कनेक्शन, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पीकर प्रोडक्शन के लिए 0 12 हमने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकर प्रोडक्शन हमारी ऑन हो चुकी है, OCP हमारी अभी देखिए ऑफ हो गई है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। अब जैसे ही हम इसको पावर ऑन करेंगे, गाने चलाएंगे, वैसे ये जो है पावर ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है, अब हम इस पर सॉन्ग प्ले करते हैं और आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए आपने क्या देखा कि अभी OCP जो थी ऑफ थी, लेकिन जैसे हमने गाना प्ले करा जो है ग्रीन लाइट जल गई और OCP ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। तो ये इतना स्मार्ट बोर्ड है कि भाई आप समझ नहीं सकते, आप जब इसको यूज़ करेंगे इसकी पावर का अंदाज़ा लगाएंगे, जब चलाएंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा हो पाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाना चला कर दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट डालेंगे लोड रेजिस्टेंस पे, और लोड रेजिस्टेंस में आपको दिखाऊंगा कितने ओम पर हम लोड रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ी सी वॉल्यूम अप करता हूँ, इसकी क्लैरिटी थोड़ा सा सुन लो, जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। Oh, 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 oh
आप देख रहे हैं सिग्नल की एलईडी जल रही है। तो आपको थोड़ा सा वॉइस का जो है अंदाजा लग गया होगा। अब मेन चीज चलते हैं लोड रेजिस्टेंस, जिसमें आपको दिखाते हैं कि ये 4000 वाट जो हमने ये देखिए इसको इसके साथ पैरेलल कर दिया है, जिससे कि ये दोनों चार ओम मिलकर 2 ओम बन गया है। तो मैं आपको एक बार मल्टीमीटर में इसका जो ओम है वो चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मल्टीमीटर, इसको हमने ओम पे कर दिया है। ये हमारी लोड रेजिस्टेंस की आप वायर देख रहे हैं कितनी मोटी है, 4 mm की वायर है, जो कि जो मेन लाइन में यूज़ होती है घरों की या फिर फैक्ट्रीज की जो मेन लाइन में यूज़ होती है वो वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड है इतनी ज़्यादा आउटपुट देता है कि ये वायर भी पिघल जाते हैं कई बार। तो इसको हम देखिए अब आपको ओम टेस्ट करके दिखाते हैं एक बार। ये देखिए अब यहाँ पर 2.9 दिखा रहा है, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा क्योंकि वायर का भी थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो जो वायर होती है मेन जो वायर होती है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर 2.4 दिखा रहा है, लेकिन ये 2 ओम पर आपको दिख रहा है कि 2 ओम पर हम इसको आपको चलाकर दिखाने वाले हैं। तो हमने आपको साफ साफ दिखा दिया है कि यहाँ पर हम 2 ओम पर इसको चला रहे हैं कोई भी सामने, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे लोग वीडियो डालते हैं और चला कर कुछ दिखाते नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ से हम ऑफ़ कर दिया, मेन पावर ऑफ़ कर दिया हमने। ये मैंने स्पीकर के वायर निकाल दिए और हम यहाँ पर लगाएंगे ये मोटे मोटे आपके लोड रेजिस्टेंस के वायर। तो ये हमने कर दिया पॉजिटिव कनेक्ट और ये कर दिया ग्राउंड कनेक्ट, ठीक है। तो ये हमने पूरा कनेक्शन कर दिया इस जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था 2 ओम पर। अब हम इस बोर्ड पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अपने फ़ोन पर। ये देखिए यहाँ से मैंने वॉल्यूम कर दी, यहाँ से वॉल्यूम कर देता हूँ मैं फुल। ये देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्नल एलईडी जल रही है और ये पूरा का पूरा 2 ओम लोड पर आसानी से बहुत ही प्यार से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं मेन जो करंट था वो ऑन करना भूल गया था। ये देखिए मैं ये ऑन हमने कर दिया है मेन। अब यहाँ पर देख रहे हैं OCP भी हमारी ऑन है और यहाँ पर आप सिग्नल देख रहे हैं जो सिग्नल है वो भी ऑन है। तो भाई कितना ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है आप देख रहे हैं, 4000 वाट लोड रेजिस्टेंस पे हमने लगा रखा है। और उसको फुल वॉल्यूम खोलकर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ फोन में। यहाँ से फुल वॉल्यूम है और मॉड्यूल से भी आपको दिखा देता हूँ फुल वॉल्यूम है। हमारे पास मिक्सर नहीं था अभी, इसलिए हम इससे मॉड्यूल से ही चलाकर दिखा रहे हैं, बाकी आप मिक्सर से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है और बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना, मैं आपके सामने पूरा हाथ लगा रहा हूँ, ये देखो पतली खाली लगाता हूँ दूसरी साइड से कि बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। तो भाई जिसको समझ में आती है कि हाँ क्वालिटी क्या चीज़ होती है तो भाई वो ज़रूर नीचे आके कमेंट करना कि आई लव MV कलेक्शन, जिससे कि लोगों को चले पता भाई जिन लोगों ने सामान लिया है जो यूज़ कर रहे हैं वो कितना खुश है हमसे। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोड रेजिस्टेंस से देख रहे हैं आप सिग्नल पूरा चल रहा है। और इसको छोड़िए गाना हटा देते हैं, हम 1 Hz फ्रिक्वेंसी पे या 10 Hz फ्रिक्वेंसी पे आपको इसको लोड पर ही चला कर दिखाते हैं, या 100 Hz पे, चलिए 1 kHz पे करते हैं। 1 kHz टोन पर हम इसको चलाने वाले हैं अभी। ये देखिए तो हम 1 kHz पे चला रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप पूरी की पूरी जो है सिग्नल की LED जल रही है लगातार। तो कुछ भी यहाँ पर झूठ नहीं बताया जाता है, जो है सामने है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिग्नल की LED पूरी की पूरी ग्लो कर रही है। पूरा हमने लोड दे रखा है, फुल वॉल्यूम कर रखी है, यहाँ से बिल्कुल भी डाउन नहीं है, बिल्कुल भी फुल वॉल्यूम कर रखी है। मैं यहाँ पर इसको सामने रख देता हूँ और आप देखिए कि आपके सामने ये कितनी अच्छी तरह से 4000 वाट पे, ये देखिए मैं बिल्कुल हाथ इस पर टच कर रहा हूँ, बिल्कुल भी हीटिंग नहीं है। यहाँ पर इसके MOSFET लगे हुए हैं जो कि हैं IRF 260, ठीक है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। इसका दूसरा मॉडल भी है जिसमें IRF 46-68 भी लगते हैं। तो जिसको जो सा मॉडल बाय करना है वो कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल आपको कैसे दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल मैं यहाँ पर टच करके अपने रख रखी है, सिग्नल पूरा जा रहा है और बोर्ड में बिल्कुल भी हीटिंग नहीं है, बहुत स्टेबल है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओम पर स्टेबल है बिल्कुल, ये बोर्ड बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते रहिए, मैं एक बार एक काम करते हैं कि हम आपको ना टेम्परेचर मीटर में एक बार दिखा देते हैं टेम्परेचर लगा के कि हीट सिंक का क्या टेम्परेचर चल रहा है, जिससे कि आपको और अच्छा हो जाएगा कि भाई आपको ऐसे कोई भी नहीं दिखाने वाला है। मैं आपको पहले बता दूँ सिर्फ MV कलेक्शन आपको इस तरह से टेस्टिंग करके दिखाता है। तो भाई देखो ऐसा होता है, बोर्ड की लाइफ तब तक ही रहती है जब तक आप उसको ढंग से चलाएं। तो अगर आप ढंग से चलाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगा रहे हैं, ये देखिए इसमें हमने मल्टीमीटर में देखो टेम्परेचर पे कर दिया है। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर इसमें हीट सिंक में टच करके दिखाता हूँ, आपको चल जाएगा पता कि इतनी देर से लोड रेजिस्टेंस में चलने के बाद भी इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, 35-36 डिग्री पर चल रहा है, जो कि रूम टेम्परेचर होता है, बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर ही आप देख रहे हैं जहाँ पर नट हैं यहीं पर ही MOSFET होते हैं, मैं बिल्कुल यहीं पर ही टच कर देता हूँ। ये देखिए या फिर मैं अपनी उंगली हटा लेता हूँ, सिर्फ इसे ही टच करता हूँ। ये देखिए तो इतने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है इस बोर्ड को। तो उस साइड भी एक बार लगा कर देख लेते हैं कहीं उस साइड से थोड़ा सा गर्म हो रहा हो,
ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा बोर्ड हल्का सा हीट हुआ है, 37-38 डिग्री पहुँचा है यहाँ पर टेम्परेचर। तो भाई कुछ भी इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही शानदार बोर्ड है। आप देख रहे हैं 1 kHz पे हमने देखिए यहाँ पर 39 डिग्री हो गया है। तो आप देख रहे हैं इतना कोई भी किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड को इतनी देर चलाओगे इस तरह से 4000 वाट 2 ओम पर लोड रेजिस्टेंस देखे, जो कि इतनी हैवी सप्लाई इतने हैवी ट्रांसफार्मर पर, तो कोई भी बोर्ड आसानी से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर 39 से, तो यहाँ पर आपके सामने टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो भी बढ़ेगा देखो 38-39 उसके बीच में ये टकर रहा है। तो हम थोड़ा सा और देखिए, ये 40 गया। तो आपके सामने जब से ये 1 kHz जोन पे चल रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देखिए 40°C चला गया है। तो इतना स्लोली बिना फ़ैन के बिना किसी भी उसके 4000 वाट लोड पे 2 ओम पर हमने 60-0-60 पर चला रखा है। आप इस बोर्ड को 80-0-80 तक भी चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, और इसी तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। आप देख रहे हैं 40°C पे ये अटक गया है अब, तो धीरे धीरे और हीट होगा, तो बहुत स्लोली हीट कर रहा है। देखो 40°C पे कोई भी खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अब देखो इसको हटा देते हैं। तो बाकी आप टेस्टिंग खुद भी कर सकते हैं, आप इस बोर्ड को ख़रीदना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलरेडी ये बोर्ड जो है काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है। तो एमवी कलेक्शन जो क्वालिटी बनाता है उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग उसी की वीडियो में मिल जाती है आपको, क्योंकि हम सामने सबको टेस्ट करके दिखाते हैं। अभी भी आपको बोर्ड जो है जब तक मैं बोलूँगा तब तक ये चालू ही रहेगा। ये देखिए आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी प्ले हो रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप इस बोर्ड को बाय करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या फिर कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं पता है कहाँ से लिंक मिलती है, तो आप व्हाट्सअप पर भी बोल सकते हैं कि हमें फ्लिपकार्ट से बाय करना है, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली हमसे ही खरीदें व्हाट्सएप से, तो आप व्हाट्सएप पर आइए, मैसेज करिए और हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। आपको हमें डिटेल्स देनी है और आप जो है ऑर्डर ले सकते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगा। सबसे फास्ट डिलीवरी जो है एमवी कलेक्शन की है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सारे कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि भाई उन्होंने ऑर्डर कराया और 1 महीना हो गया, 1 महीने तक आपके ना ही घर पर प्रोडक्ट पहुँचा है, ना ही आपकी कॉल पिकअप हो रही है, ना ही आपके मैसेज का रिप्लाई आता है। क्योंकि ये चीज़ हमने भी देखी है कई बार, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने हमें बताया है और वहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो लेकिन एमवी कलेक्शन के पास आपका ऐसा नहीं होता, जब हम बिज़ी होते हैं तब हो सकता है कि हम भी कॉल ना उठा पाएँ, लेकिन आपकी कॉल ज़रूर रिसीव होगी या फिर आपको रिप्लाई बैक व्हाट्सएप पर ज़रूर आता है हमेशा। और आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने किसी ने पेमेंट करी है और उसके बाद प्रोडक्ट ही नहीं पहुँचा, ठीक है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हमें YouTube पर देखने को मिलता है काफ़ी सारे लोग बताते हैं, हमारे कस्टमर जो भुगत कर आते हैं, तो भाई एक बार एमवी कलेक्शन से लो, आपको दिख जाएगा कि भाई कितनी जल्दी आपकी डिलीवरी होती है और कितनी जल्दी सामान पहुंच जाता है। तो इतनी देर से लोड रेजिस्टेंस में रखने के बाद जाते जाते एक बार फिर से आपको मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ। इसको हम कर देते हैं टेम्परेचर पर, और ये आगे से टेम्परेचर सेंसर है, ये देखिए ये हमने टेम्परेचर पर कर दिया है। अभी देखो 32°C यहाँ पर रूम टेम्परेचर है। अब इसको हम लगाते हैं बिल्कुल हीट सिंक पर, इस साइड से लगा देता हूँ जिससे आपको दिखे। ये देखिए मैं फिंगर भी नहीं लगाऊंगा अपनी, धीरे धीरे बढ़ाएगा ये, धीरे धीरे टेस्ट करता है। तो थोड़ा सा हाथ भी हिल जाता है ना इसमें बार बार, तो एक बार मैं इस साइड से आपको हाथ से रख के ही दिखा देता हूँ। ये देखिए तो बोर्ड में बिल्कुल भी हीटिंग का इशू नहीं है, क्योंकि हमारा अभी ऊपर फैन भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी सिग्नल यहाँ पर ऑन है बिल्कुल, और आपको उस पर दिया जा रहा है, पूरा लोड पे चल रहा है बोर्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर एमवी कलेक्शन को लाइक करते हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, आई लव एमवी कलेक्शन। और एक बार भाई खरीद कर देखो सामान, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि आपको कहीं और कोई और नहीं दे सकता है। पेमेंट करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पे आपका जो सामान है वो पहुंच जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करके ज़रूर दिखाना लोगों को कि एमवी कलेक्शन किस तरह से आपके लिए वर्क कर रहा है। तो नीचे ज़रूर लिखना आई लव एमवी कलेक्शन।